मैं अवधेश कुमार पांडे आप सभी को धनतेरस की, दीपावली की और भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को प्रेषित करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी से अपील भी करता हूं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ आप लोग दीपावली का त्यौहार मनाएं और आने वाले भविष्य में एक नया उदाहरण आप लोग प्रेषित करें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो एक नए भारत की कल्पना कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी जो विकास की तीव्र गति प्रदान कर रहे हैं, आप सभी लोग उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। विनीत ज्वेलर्स शाहजहांपुर की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के लिए सभी नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज धनतेरस का पर्व है, दो दिन का पर्व है, इसलिए थोड़ा सा शुरू में हल्का था, पर इस समय सब धनतेरस की दिशा लग चुकी है। तो धनतेरस में काफ़ी भीड़ रश है, लोग आ रहे हैं और ये आज से लेकर कल तक लगातार चलता रहेगा, क्योंकि आज दोपहर से कल दोपहर तक की धनतेरस का समय था। मैं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि कुशीनगर कैफुल अली, मैं सभी सम्मानित नगरवासियों एवं देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं प्रतिमा वर्मा अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हूँ और आप सभी देव तुल्य जनता को धनतेरस, दिवाली, भैया दूज और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आशा है अब की दिवाली आप सभी लोगों के लिए बहुत खास होगा। मैं चुनाव जीतने के बाद महिलाओं के स्किल को डेवलप करना चाहती हूँ, जिसके लिए जो महिलाएं थोड़ा कम पढ़ी लिखी हैं उनके लिए सिलाई की व्यवस्था, कढ़ाई की व्यवस्था, ये सब, जिससे वो बेरोजगारी का सामना ना कर सके, उनको कोई ना कोई रोजगार मिल जाए। और जो पढ़ी लिखी हैं लड़कियां, तो उनको कंप्यूटर की शिक्षा और शिक्षा के माध्यम से उनको हम मतलब शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार से मांग के, और उनके स्किल को डेवलप करेंगे। रामजी उपाध्याय हमारा पंप श्रृंग बली अटसू औरैया की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर, न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा, जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल।